जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की मैराथन लेके आया हूँ। और इसमें जो इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो मैराथन है वो इंडिया ज्योग्राफी की है और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो इसको बिल्कुल बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक जरूर सुनना, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मेन जो हमारे पॉइंट हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पता होना, उनके ऊपर ही हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम धारवाड़ की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़, बेलारी व सीमांगा जिलों के मध्यवर्ती व पूर्वी दक्षिण प्रदेश में नागपुर व जबलपुर में सारस श्रेणी, बालाघाट व बठिंडा की चिपली, रीवा, हजारीबाग आदि में गोडवाना श्रेणी और विशाखापट्टनम के कुदूर और राइट अरावली श्रेणी के क्षेत्र, ऊपरी अरावली व निचली अरावली श्रेणियों में, दिल्ली के निकट तक गुजरात में चंपारण श्रेणी में इनका नाम विस्तृत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद करने की नहीं है, हम जो मेन चीज़ें उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक गोडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं। जो गोडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें जो धात्विक खनिज होते हैं केवल धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत के 98% जो खनिज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं और जो गोडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनमें कोयला पाया जाता है। तो धात्विक खनिज जैसे लोहा है, सोना है, मैग्नीज है, तांबा, क्रोमियम है, सारा सब कुछ धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब ये कुछ क्षेत्र जैसे पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश की स्पीत घाटी, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। धारवाड़ की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें मानी जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ और उनका निक्षेपण हुआ। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो उसके फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। क्या होती हैं? परतदार होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो पूर्णतः रूपांतरित चट्टानें हैं, ये कंप्लीटली अपना इन्होंने रूप बदल लिया है, ठीक है। तो इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। तो देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक चट्टानें होती हैं। जितने भी भारत का 98% जो धात्विक खनिज है वो सारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें बोलती है, इन्होंने अपना कंप्लीटली स्वरूप बदल लिया है, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें बोलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव रहता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें परत रहित होती हैं, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें परत नहीं देखने को मिलती, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो उसके फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो नामकरण था वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक कुड़प्पा जिला है, वहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप से ये चट्टानें विस्तृत है, जिसके आधार पर इन चट्टानों का नामकरण किया गया था। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर रखा गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टोस जैसे खनिज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनके विस्तार की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई, पापाघानी, यहां पर भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो कृष्णा, अन्नामलाई और पापाघानी श्रेणी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं और सोना भी पाया जाता है।
ठीक है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना, हीरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे जो गोलकुंडा का हीरा है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सोना मिला है। तो आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है, कुड़प्पे जिले के आधार पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया था, जहां पर सोना मिला है। पूर्वी घाटी पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ था, जो पूर्वी घाट है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कौन सा है? जैसे ये हमारा भारत का साउथ का मानचित्र है, ये इसका पश्चिमी घाट है, ये इसका पूर्वी घाट है। तो जो पूर्वी घाट है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाघानी श्रेणी, चेयार श्रेणी, यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। तो कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाघानी श्रेणी और चेयार श्रेणी में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। राजस्थान की कुड़प्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं। राजस्थान में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनको दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा, विंध्य क्रम की चट्टानें। देखो विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में सबसे मेन बात तो ये ध्यान रखना, इनका निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद में हुआ था। सबसे पहले निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से निर्माण हुआ कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। जब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अपर्दन निक्षेपण हुआ तो उससे निर्माण हुआ विंध्य क्रम की चट्टानों का, ठीक है। छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके बाद में विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। छिछले सागर और नदी घाटियों में जो तलछट का जमाव था उसके द्वारा विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में भी परत पाई जाती हैं, विंध्य क्रम की चट्टानों में भी परत पाई जाती हैं। इस संरचना में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जबकि विंध्य क्रम की चट्टानों में सूक्ष्म जीवाश्म पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में परत नहीं पाई जाती हैं, परत रहित होती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के पांच प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे सोन नदी घाटी के समेरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग के कर्नूल क्षेत्र, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी का क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पालनी क्षेत्र और ऊपरी गोदावरी घाटी व नर्मदा घाटी का क्षेत्र, ठीक है। ये पांच ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यह संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो भवन निर्माण के जो पत्थर हैं वो सारे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं उसमें भवन निर्माण के जो पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर जिनका प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, वो सभी पत्थर किस में पाए जाते हैं? विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, ये लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। तो सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, ये किससे बने हुए हैं? लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। पन्ना एवं गोलकुंडा के हीरे इसी संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पन्ना, देखो गोलकुंडा का जो हीरा है ना वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है, और पन्ना व गोलकुंडा का जो हीरा संरचना है वो विंध्य क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है। ये दोनों पॉइंटों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं, इनका एग्जाम्पल, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का एग्जाम्पल और विंध्य क्रम की चट्टानों का एग्जाम्पल, ये भी याद रखना है। उसके बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुई है। जैसे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनका नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड से हुई है। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनी फेरस से लेकर जुरेसिक के बीच में हुआ था। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनी फेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के बीच में हुआ था। मछलियों व अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। मछली और जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं उनके अवशेष हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। भारत का जो 98% कोयला है वो हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, ठीक है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो आपको सीधे सीधे तौर पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में जिन राज्यों में कोयला पाया जाता है वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये इसको याद करने का एक सीधा सा तरीका है।
दक्कन ट्रिप मोसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इनके निर्माण का काल क्रेटेशियस से लेकर इओसीन तक था। ठीक है, तो देखो मेसोजोइक युग के जो अंतिम काल था उसमें प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न हुई, ज्वालामुखी क्रिया हुई तो क्या हुआ, लावा बाहर निकला और वो लावा बाहर निकल कर दरारों में घुस गया। इनके निर्माण का जो काल था वो क्रेटेशियस से लेकर इओसीन काल तक का था। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा याद करना है कि जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं इनका निर्माण क्रेटेशियस काल से लेकर इओसीन काल के बीच में हुआ था। तो क्रेटेशियस काल से इओसीन काल के बीच में दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था। इसे ट्रेप कहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास होता है। यह संरचना बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है, अब जो दक्कन ट्रेप है उसको ट्रेप क्यों कहते हैं कि जब ज्वालामुखी क्रिया हुई उससे जो लावा बाहर निकला तो उस लावा के द्वारा क्या हुआ, सीढ़ीनुमा संरचना की आकृतियां बन गई और ये जो संरचनाएं थी वो बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से निर्मित थी। ठीक है, ये चट्टानें काफी कठोर होती हैं, इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात, जो काली मिट्टी है वो दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से ही बनी हुई है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों के विखंडन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है और इस काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है। काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के विखंडन के द्वारा होता है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों के टूटने के कारण होता है। अब ये जो दक्कन ट्रेप, ध्यान रखना दक्कन ट्रेप कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें सामान्यतः उन क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर दक्कन ट्रेप की चट्टानें 100% पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में दक्कन ट्रेप की चट्टानें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में आता है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण इओसीन युग से प्लायोसीन काल के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इओसीन से प्लायोसीन काल के बीच में टर्शियरी काल की चट्टानों का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत में जो 98% कोयला है वो तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और जो 2% कोयला है वो टर्शियरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और इस साइड जो टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं इनमें निम्न क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, आसाम, राजस्थान, गुजरात के जो खनिज तेल क्षेत्र है इओसीन और ओलिगोसीन संरचना में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आसाम, राजस्थान और गुजरात के जो तेल क्षेत्र है वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों से संबंधित है। तो इन चट्टानों का क्रम याद करना है आपको, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर क्रेटेशियस काल की चट्टानें, फिर गोंडवाना काल की चट्टानें और बाद में सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया, तो सबसे पहले होंगी, देखो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पुरानी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद में आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर आ जाता है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, दक्कन ट्रेप आ जाता है, दक्कन ट्रेप के बाद में टर्शियरी काल की चट्टानें आ जाती हैं। ठीक है, फिर टर्शियरी काल की चट्टानें आ जाती हैं और लास्ट में आता है क्वार्टनरी चट्टानें। यह संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जो नवजीव संरचना होती है जिसको हम क्वार्टनरी संरचना बोलते हैं, ये सिंधु और गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसिन काल में पुरानी जलोदय मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे हम बांगर कहते हैं। नवीन जलोदय मृदा का निर्माण प्लेस्टोसिन काल के अंत में प्रारंभ हुआ एवं वर्तमान होलोसिन काल तक जारी है जिसे हम खादर कहते हैं। देखो नवीन जलोदय को हम खादर कहते हैं और जो पुराना जलोदय होता है उसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना, नवीन जलोदय को हम खादर कहते हैं, जो पुराना जलोदय होता है उसको हम बांगर कहते हैं। जो पुराना जलोदय होता है, जो बांगर होता है, उसका निर्माण मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसिन काल से लेकर पुरानी जलोदय मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसिन काल में बांगर मिट्टी का या पुरानी जलोदय मिट्टी का निर्माण हुआ था।
प्लेस्टोसिन काल से लेकर होलोसिन काल तक नवीन मिट्टी या खादर मिट्टी या नवीन जलोद का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि मध्य और ऊपरी प्लेस्टोसिन काल में पुरानी जलोद बांगर का निर्माण हुआ था, नवीन जलोद मृदा का निर्माण प्लेस्टोसिन काल के अंत में प्रारंभ होकर होलोसिन काल तक चला था, जिसे हम खादर कहते हैं। ठीक है, तो बांगर खादर समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूज करने वाला है। देखो, याद करने का तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर बांगर है, यहाँ पर खादर है। खादर खा से स्टार्ट हो रहा है, खे से स्टार्ट हो रहा है, बांगर बे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम कै कबूतर में देखते हैं तो सबसे पहले खे आता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल नवीन है। बे क्या आता है, बाद में आता है, तो ये क्या है, पुराना है। ठीक है, तो बांगर पुराना जलोद होता है, खादर नवीन जलोद होता है। जो खादर नवीन जलोद है, इसका निर्माण प्लेस्टोसिन काल से लेकर होलोसिन काल तक, मतलब वर्तमान समय में भी जारी है इसका निर्माण। और जो बांगर है, उसका निर्माण प्लेस्टोसिन काल के पहले ही, जो प्लेस्टोसिन काल था उसी में बांगर मिट्टी का निर्माण हो गया था, पुराने जलोद का निर्माण हो गया था। ठीक है, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में क्वार्टनरी निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, जो सतलज है, नर्मदा है, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी नदियों की जो घाटी क्षेत्र है, इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है उसमें हमें क्वार्टनरी निक्षेप देखने को मिलता है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। प्लेस्टोसिन काल में के हिमानीकरण का प्रमाण हिमालय क्षेत्र में काफी कम ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो हिमानीकरण का प्रमाण कहाँ देखने को मिला, कौन से काल में देखने को मिला था, प्लेस्टोसिन काल में देखने को मिला था। पश्चिमी राजस्थान एवं थार के मरुस्थल में प्लेस्टोसिन काल के निक्षेप मिलते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है और जो थार का मरुस्थल है, उसमें प्लेस्टोसिन काल के निक्षेप देखने को मिलते हैं। कच्छ का रण प्लेस्टोसिन काल के समुद्र का भाग था। ठीक है, जो कच्छ का रण है वो भी प्लेस्टोसिन काल के समुद्र का ही भाग है। उसके बाद में हम प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, 18% भाग पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, 28% भाग पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और 43% भाग मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो संपूर्ण भारत है उसके कुल क्षेत्रफल का 11% भाग पर पर्वत है, 18% भाग पर पहाड़ी है, 28% भाग पर पठार है और 43% भाग पर मैदान है। ठीक है, भारत को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा दक्षिण का पठार है, तीसरा विशाल मध्यवर्ती मैदान है और चौथा तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह है। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अरावली पर्वतमाला है और हिमालयी पर्वतमाला, भारत में दो सबसे ज़्यादा फेमस है, या तो अरावली है या हिमालय। हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, इसको नवीनतम मोड़दार पर्वत बोलते हैं। अब आपको बताना है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किस तरीके का पर्वत है। तो जो अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत है, महादेव पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये सारे सारे किसके उदाहरण है, ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। किसके, अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। हिमालय पर्वत नवीनतम मोड़दार पर्वत है, जो कि परतदान चट्टानों से बना हुआ है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। यह पर्वत पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है, और पश्चिम में नंगा पर्वत के पास में और पूर्व में नामचा बरवा के पास में यहाँ पर दो तीखे मोड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत में दो तीखे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक तीखा मोड़ हमें देखने को मिलता है पश्चिम में नंगा पर्वत के पास में, और दूसरा जो तीखा मोड़ वो हमें देखने को मिलता है पूर्व में नामचा बरवा के पास में। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीप भारत का स्थानांतरण उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर निरंतर जारी है। इसके फलस्वरूप भारतीय प्लेट का टकराव यूरेशिया प्लेट से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा याद करने का सीन नहीं है। हिमालय पर्वत शरीर में रीढ़ की हड्डी के रूप में नाइस एवं अन्य रवेदार चट्टानें मौजूद हैं। सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर आदि के रूप में प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के रीढ़ की हड्डी के रूप में नाइस एवं अन्य रवेदार चट्टानें मौजूद हैं। सिस्ट, स्लेट,
फाइलाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर आदि के रूप में प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम मान हिमालय के बारे में बात करते हैं। देखो जो हिमालय पर्वत है उसको चार भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला होता है मान हिमालय। मान हिमालय इसे हिमाद्री, वृद, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जो महान हिमालय, इसका आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, निस और सिस्ट जैसी चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, यह पूर्व में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक फैला हुआ है। जो महान हिमालय है वो पूर्व में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है। मकालू 8481 मीटर ऊंची है। धौलागिरी 8172 मीटर ऊंची है। इसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये सभी के सभी क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो महान हिमालय हैं इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, तो महान हिमालय की प्रमुख चोटियां एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है। इसमें आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी की जो ऊंचाई है ये भी याद करना है। महान हिमालय में दो तीखे मोड़ देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तीखा मोड़ नंगा पर्वत के पास में है और दूसरा नामचा बरवा के पास में है। महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं जैसे बुरजिल और जोरजिल है जम्मू कश्मीर में, सिपकिला बारालाचाला है हिमाचल प्रदेश में, थागा ला लिपुलेख। ठीक है, थागा ला नीति लिपुलेख, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थागा ला नीति लिपुलेख, यहाँ पर नीति और ऐड कर लेना। ठीक है, तो थागाला, नीति और लिपुलेख ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलिपला ये सिक्किम में है और बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वो दर्रे हैं जो मान हिमालय में है। ठीक है, तो जोरजिल बुरजिल जम्मू कश्मीर में, सिपकिला बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, थागाला नीति लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला जेलेपला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये सारे के सारे दर्रे हैं जो कि महान हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मीलाम, गंगोत्री, जेमू आदि हिमनद यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। तो महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हो गए, मीलाम हो गया, गंगोत्री हो गया और जेमू हो गया। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है। भारत महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर ऊंची है वो भी यहीं पर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, कोलिमपोंग व ल्हासा के बीच का सड़क मार्ग जेलेपला दर्रे से होकर गुजरता है। कोलिमपोंग और ल्हासा के बीच का जो सड़क मार्ग है वो जेलेपला दर्रे से होकर गुजरता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में। महान हिमालय, महान हिमालय के समानांतरी, जैसे ये महान हिमालय है, इस महान हिमालय के समानांतर ही लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय को हिमाचल एवं मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं जैसे पीर पंजाल श्रेणी है। लघु हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लघु हिमालय की और कौन कौन सी श्रेणियां हैं, जैसे नाग टिब्बा श्रेणी है। लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को कुमायूं क्षेत्र में मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा, धौलाधर और पीर पंजाल, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये लघु हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, जिसमें पीर पंजाल कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है,
महाभारत नेपाल में है, मसूरी कुमायूं क्षेत्र में है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, जो शिमला है वो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, चक्रात ये लघु हिमालय पर ही स्थित है। पीर पंजाल, बनिहाल, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दो प्रसिद्ध दर्रे हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल और बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रे हैं। इसके अलावा देखो, मध्य व महान हिमालय के बीच में विशाल सीमांत दरार जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ये स्थित है, ठीक है। तो मध्य व महान हिमालय के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, मध्य व महान हिमालय के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। इस श्रेणी के दक्षिण का ढाल मंद व उत्तर का ढाल तीव्र है। जो लघु हिमालय, इसका जो दक्षिण का ढाल है वो तो मंद है, और जो इसका उत्तर का ढाल है वो तीव्र है। इसके ढाल के छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, ठीक है। जो लघु हिमालय, इसका जो ढाल है वहाँ पर छोटे छोटे मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में इनको बुगियाल और पयार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है, ठीक है। इसका निर्माण वृत्त हिमालय व लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है, ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी है, इसका निर्माण वृत्त हिमालय और लघु हिमालय के द्वारा लाए गए मलबे से हुआ है। जहां आज शिवालिक है, वहां अतीत में इंडो ब्रह्मा नामक एक नदी बहती थी, ठीक है। जहां पर आज शिवालिक पर्वत है, वहां पर पहले एक इंडो ब्रह्मा नामक नदी बहती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। महान हिमालय के उत्तर में है ये, ठीक है। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास में। उसके नीचे है महान हिमालय, उसके नीचे है लघु हिमालय, और उसके नीचे है कौन सा मेरे प्यारे साथियों, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये तो है बिल्कुल चाइना से, और ये है बिल्कुल इंडिया। तो ये चाइना से इंडिया की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी की जो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं उनका क्रम है, ठीक है। तो चाइना के टच में कौन सी है ट्रांस, ट्रांस के टच में कौन सा है मेरे प्यारे साथियों महान, महान के टच में कौन सा है लघु, और लघु के टच में कौन सा है शिवालिक है, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय वो कहाँ पर है, महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये जो पर्वत श्रेणियाँ ये कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च चोटी गाडविन आइंस्टीन है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज वाला पॉइंट है, कहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना गया है, कहीं पर गाडविन आइंस्टीन को माना गया है, ठीक है, जिसको K2 बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यदि दोनों एक साथ ऑप्शन में दिखते हैं, कंचनजंगा भी दिखता है और K2 भी दिखता है, तो हमें K2 को मानना है, क्योंकि जो K2 है वो पाक अधिकृत भारत में है, और फिलहाल में जो पाक अधिकृत क्षेत्र है जिसको हम POK बोलते हैं वो भारत के अंडर में है, ठीक है। जो K2 है, जो गाडविन आइंस्टीन है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। सियाचिन है जो नुब्रा घाटी में है, विचा फो या बालटोरा है जो शिकार घाटी में है, और ये भी ट्रांस हिमालय से संबंधित है। ट्रांस हिमालय परतदार चट्टानों के द्वारा निर्मित है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से ही निकलती हैं, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख शहर में स्थित है, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोती है, जो कि लद्दाख शहर में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी और काठमांडू की घाटी है। तो कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी और काठमांडू की घाटी कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की घाटी को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, और इसको पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, दून कहते हैं, जैसे देहरादून कह दिया, और इनको पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार कह दिया,
ठीक है, जोरजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और जलेपले दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ था। नाथुला भूटान व सिक्किम की सीमा पर स्थित है, इसी से होकर चुंबी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चुंबी नदी नाथुला दर्रे से बहती है जो कि भूटान और सिक्किम की सीमा पर है। माना कोल और नीति कोल उत्तर प्रदेश के महान हिमालय में स्थित है। तो माना कोल और नीति कोल दो दर्रे जो कि उत्तर प्रदेश के महान हिमालय में स्थित है। शिवालिक का शिवालिक को जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत को जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डबला मीरी और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जो लघु हिमालय के अलग अलग नाम थे, जैसे पीर पंचाल था, महाभारत श्रेणी था, मसूरी श्रेणी था, उसी तरीके से शिवालिक श्रेणी को जम्मू में जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में डबला मीरी और मिसमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। ये पर्वत श्रेणियाँ भारत बर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की मिसमी और पटकोई, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, कछार पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुर पहाड़ियाँ आदि शामिल होती हैं। डाफा बामा मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सारामती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। अब उसके बाद में हम बात करते हैं